हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। ये कोई इन्फॉर्मेशनल डेवऑप्स रिलेटेड वीडियो नहीं है, वो नेक्स्ट वीडियो या मे बी उससे अगली वीडियो मैं आपको बता दूंगा कब आएगी। फिलहाल ये एक नॉर्मल ब्लॉग है और हम लोग, मैं पर्टिकुलरली क्योंकि मेरी वाइफ दीप्ति नहीं जा रही, उसका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोस में क्यों नहीं जा रही। सॉरी, बाल ऊपर उठा हुआ था। मैं मोर जा रहा हूँ, एक्चुअली मेरे जिम का सामान ख़त्म हो गया है। जिम का क्या, वो मेरा डाइट फूड है, म्यूसली एंड ऑल, वो ख़त्म हो गया है। बिस्किट्स थे डाइट के और घर का भी कुछ सामान था, तो मैं सोच रहा था ले आऊँ। मैंने जस्ट अपना ऑफिस रैप अप किया, थका हुआ हूँ बट ठीक है, मेरे को सामान लाना है बिकॉज़ फिर जिम जाना है और फिर अगर सामान नहीं आएगा तो डाइट टूट जाती है। एंड मेरी वाइफ दीप्ति वो फिर मानती नहीं है, ठीक है तुम नॉर्मल खाना खाओ और फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं कमिटेड हूँ कि हाँ भाई, डाइट लेनी है, जो लेना है वो लो, अपना डाइट फूड पे स्ट्रिक्ट रहो, अपने वर्कआउट पे स्ट्रिक्ट रहो और मेहनत करते रहो। मेरा एक ही मोटो है एक्चुअली। आप लोग सरप्राइज हो गए, मैं आपको जल्दी अपनी वेट लॉस जर्नी भी शेयर करूँगा कि मैंने कैसे किया, हाउ डिड आई डू इट, क्या ये पॉसिबल था, नहीं है, या जो वीडियोस बनाते हैं लोग, वीडियोस दिखाते हैं, वो सब सच होता है नहीं होता है, क्या मेहनत जाती है, कितनी मेहनत जाती है, क्या खाना पड़ता है, क्या नहीं, मैं सब बताऊंगा। फिलहाल वो बाद की वीडियोस के लिए, अभी के लिए हम लोग चलते हैं मोर और जल्दी से सामान लेके वापस आएंगे। तब तक आप लोग बने रहिए हमारे साथ और प्लीज़ यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, वीडियोस को लाइक करो, जितना चाहे शेयर करो, क्योंकि आप लोग मुझे प्यार नहीं दिखाओगे तो यार मैं भी एक इंसान हूँ और मैं भी थोड़ा डिसहार्टेंड फील करता हूँ। तो प्लीज़ यार थोड़ा ज़्यादा लव दिखाओ अपना और आप लोग अपना साथ बनाए रखना। चलो गाइस चलते हैं, चल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर, घर से एग्जिट लेते हैं और चल पड़ते हैं। और बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है यार, बहुत रात हो रही है और हम लोग चलते हैं। मास्क ले रखा है, कोविड का टाइम है, मुझे थोड़ा कोल्ड भी हो रहा है और हम लोग गाड़ी की तरफ चलते हैं जल्दी से। ठंड हो रही है यार, नवंबर का महीना है और ठंड इतनी है कि क्या बोले। चलो यार, आप लोग बताइए आपके शहरों में ठंड हो रही है क्या? दिल्ली में तो पोल्यूशन इतना है और स्मॉग हो रहा है, मतलब हवा बिल्कुल ख़राब हो रखी है, जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब। मैं सोचता हूँ जिन लोगों को सांस की प्रॉब्लम हो उनका क्या हो रहा है। ये अपनी गाड़ी धन्नो और चलो गाइस बैठते हैं और चलते हैं। ओके चीज़ें दीप्ति के साथ लाता हूँ जाके, दीप्ति माई वाइफ, बट अब वो जा नहीं सकती और मुझे अकेला जाना पड़ता है। बिल्कुल भी मन नहीं करता ऐसे अकेले गाड़ी चलाने का, क्योंकि अब आदत हो गई है मेरी को, शादी हो गई है और मतलब अकेले पहले जाते थे तो ठीक है, यार दोस्त थे बैठा लिए साथ चले गए, बट अब बिल्कुल मन नहीं हो रहा। 1.5 साल से तो दीप्ति होती है थी और हम लोग जाया करते थे ट्रिप्स पे, और मतलब जिसे कहते हैं ना एक वो पंजाबी भाषा में, गेड़ियाँ मारने रात को निकल गए, कॉफ़ी पीने निकल गए, बट ठीक है कोई नहीं, ये सून टू गो टाइम है, जल्दी निकल जाएगा। एक अच्छी चीज़ के लिए वो घर पे है और जल्दी मैं रिवील करूँगा कि वो घर पे क्यों है और हमारे साथ क्या होने वाला है। सो आप बने रहिए आने वाली वीडियोज़ में, पता लगता रहेगा आपको और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ भी आने वाली हैं काफ़ी। तो गाइस हम आ गए हैं मार्केट में और मोर के सामने पर्टिकुलरली, आप लोग को पता नहीं दिख रहा है या नहीं,
गाइस मोर स्टोर आ गया है, अंदर चलते हैं और सामान लेते हैं। बिस्किट का सेक्शन है, सोच रहा हूँ बिस्किट ले लूँ डाइट के, पर मैं ढूंढ रहा था पहले म्यूसली ले लूँ। म्यूसली तो नहीं है, म्यूसली ढूंढनी पड़ेगी, ढूंढ के बाद ही मुझे मिलेगी नीचे, ऐसा उन्होंने कहा है। और सामने म्यूसली है, बहुत बढ़िया, मेरी फेवरेट वाली भी है, डार्क चॉकलेट यही चाहिए। बट यार मैं इसका बड़ा वाला पैकेट ढूंढ रहा था, 700 ग्राम्स वाला, जो कि है नहीं। गाइस गाड़ी में लौट आए हैं, सामान ले लिया है, थोड़ा ज़्यादा सामान ले लिया है म्यूसली के अलावा। मैंने अपना क्या ब्रेड वगैरह एग्स हैं, इसमें एक चॉकलेट है डाइट वाली लाइक डार्क चॉकलेट, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरा एक सामान अब भी रह रहा है, वो सोच रहा हूँ लोकल शॉप से ले लूँ, क्योंकि एग्स इन पे ज़्यादा क्वान्टिटी में मिले नहीं थे। तो गाइस गाड़ी में वापस आ गया हूँ, एक सामान अब भी रह गया, एक ज़्यादा क्वांटिटी में थे नहीं, तो सोच रहा हूँ कि दोबारा से ले आऊँ और लोकल शॉप से ख़रीद लेते, क्योंकि इन पे 30x का पैक ना परसों आएगा और मुझे इकट्ठा ही पैक ख़रीदना होता है, तो मैं लोकल शॉप से अभी 30x छोड़ के 10x ले लेता हूँ, उसके बाद ही मैं वापस आके 30x का पैक ले लूँगा, इतने मेरा काम चल जाएगा। और बाकी सामान तो सारा आ गया है, कुछ ऐसा बचा भी नहीं है, और ठीक है एक दो सामान एक्स्ट्रा ले लिए हैं क्योंकि ख़त्म होने वाले थे, मुझे पता है। सोप्स एंड हैंड सोप है, बाथिंग बार है, बॉडी जेल है, शावर जेल जिसे कहते हैं, तो ये दो चार चीज़ें ख़त्म होने वाली थी। फिर मेरे को लगा कि बार बार जाना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा, तो मैंने कहा अभी ले चलते हैं, इट्स बेटर टू हैव इट राइट नाउ, क्योंकि प्राइस तो उतना ही पे करना है, फिर मेहनत डबल लगती है कि दोबारा जाओ दोबारा लेके आओ, तो गाइज इट्स बेटर कि अभी ले आया। बाकी आप लोग बताइए आपका दिन कैसा गया, मैं थोड़ा टायर्ड हूँ यार, द रीज़न इज़ कि आज ऑफिस में भी काम था काफ़ी, और फिर जाके अब शाम को तैयार होके वापस ग्रॉसरीज एंड ऑल लेने गया हूँ, फिर वापस अब घर जाऊँगा। आई हैव टू गो एंड हैव अ वॉक 15-20 मिनट्स की, मैं रोज़ वॉक करता हूँ शाम को। द रीज़न इज़ वॉक करनी ज़रूरी है, बिकॉज एक मेटाबॉलिज्म भी बना रहता है, आपकी डाइजेशन भी बनी रहती है, बॉडी को भी आदत रहती है, क्योंकि कई बार क्या है अभी दिवाली सीजन गया, तो आई डिड नॉट गो टू जिम फॉर 4-5 डेज, मेरा जिम भी छूट गया था, तो आप खा भी रहे थे, यू नो दैट दिवाली सीजन पे यार मतलब कुछ भी चल रहा है, मिठाई एंड कचौड़ी पूरी खीर सो वॉट एवर भाई आओ बस खाओ, तो उससे क्या है कि यार वेट बढ़ता है और आपकी वो साइकिल टूट जाती है जो आप बनाना चाहते हो वेट लॉस के टाइम और अपनी बॉडी बिल्डिंग के टाइम, तो वो साइकिल टूट गई थी, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आप दोबारा उस साइकिल में आओ, वॉकिंग चालू करो, क्योंकि जिम में जा नहीं पा रहा था। अब मैं कल सुबह जिम जाऊंगा, फिर मेरे को ऑफिस निकलना है क्योंकि कल मुझे ऑफिस भी जाना है। मैं वैसे यूजुअली मेट्रो से ट्रैवल करता हूं, आपको उसका भी ब्लॉग दिखाऊंगा, मेट्रो से बहुत भीड़ हो जाती है, मुझे गुड़गांव जाना होता है फरीदाबाद से, तो कोई बात नहीं एनीवेज, बट ठीक है कल मैं कार से जाऊंगा, तो आप लोगों को अपनी जर्नी पे ऑफिस की जर्नी पे साथ ले जाऊंगा, एंड वील मीट यू देयर। और अभी के लिए घर वापस चलते हैं, ठीक है, तो मीट यू एट होम, बाय बाय। गाइस वेलकम बैक, घर आ गया हूँ, मैं वीडियो शूट करना भूल गया था एक्चुअली, मैंने दीप्ति के लिए गोलगप्पे लिए थे, पैक कराए थे, उसका बहुत मन था, फ़ोन आया था कि मेरे लिए गोलगप्पे ले आना, तो मैं गोलगप्पे ले आया और एक उसने खिला भी दिया, तो ठीक है कोई बात नहीं चल जाता है, एक तो खा सकते हैं। और बाकी कुछ ऐसा खास नहीं है, बस चेंज करूँगा, डिनर बनाने बोल दिया, आज डिनर में एक भुर्जी और एक रोटी खाऊंगा और सैलेड होगा, एंड देन आई विल वॉक प्रोबेबली 10-15 मिनट्स और सो जाएंगे, कल सुबह चलेंगे जिम और वही डे रूटीन है, फिर ऑफिस एंड देन ऑफिस से वापस, बस यही चलता रहेगा इस वीक अनटिल सैटरडे कम्स, और मैं इतना खुश होता हूँ कि अब मेरे को सोने को मिलेगा, आराम करने को मिलेगा फाइनली। बट ठीक है, फेस्टिव सीज़न था, ख़त्म हो गया, बहुत बहुत खुश था कि इतनी सारी छुट्टियाँ मिली थी और मज़ा आया आप लोगों के साथ, मैं तब जुड़ा नहीं था, बट ठीक है देर आए दुरुस्त आए कोई बात नहीं। बट एनीवेज मैं ये सोच रहा था कि अब इस वीडियो को शॉर्ट रखते हैं, एंड करते हैं, और मैं भी चेंज करता हूँ, थक गया हूँ, ठीक है। और आप प्लीज़ बताना कि आपको ये व्लॉग या मेरा एक रूटीन कैसा लगा, और आप क्या चाहते हो कि मैं और डेवऑप्स पे या इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज़ और कैरियर ऑप्शंस पे वीडियो बनाऊँ, क्या कर सकते हो या क्या करना चाहते हो,
तो मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और ऐसी डेली व्लॉग्स भी आते रहेंगे, तो मैं सोच रहा हूँ इसको एक मिक्स एंड मैच चैनल बनाऊँ, या अगर आप चाहते हो कि अलग अलग चैनल बनाऊँ तो वो भी आप मेरे को बता सकते हो, कि इन्फॉर्मेशन चैनल अलग रखूँ और ब्लॉगिंग चैनल अलग रखूँ तो वो भी आप बता सकते हो। बट अभी के लिए चलते हैं गाइज, और मिलता हूँ आपसे कल एक नई वीडियो में एक नए दिन के साथ। टिल देन बाय, गुड नाइट, और कल मिलते हैं। बाय बाय।